डायबिटीज माने क्या, किस रोग को डायबिटीज कहते हैं। हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तत्व है जिसको हम शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम हैं। तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। आपने जो कुछ भी खाया शरीर उसको पचाएगा, और ये जो कुछ भी पचा हुआ तत्व है ये हमारे रक्त में जाएगा। कुछ भी आप खाएंगे शरीर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकाएं कह सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, ब्लड सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें रक्त कोशिका, इन ब्लड सेल्स की कुछ इस तरह की बनावट होती है जैसे आपके घर का दरवाजा। आपके घर में एक दरवाजा होता है, अगर ये दरवाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप पहले दरवाजे पे कॉल बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कोई दरवाजा खुलेगा, फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे। तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे ही दरवाजे जैसे होते हैं। सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है, रक्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है। अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीठा तत्व है जिसको आप ग्लूकोज कहिए या एनर्जी कहिए, ये रक्त के अंदर आता है और कोशिकाओं के अंदर आने के लिए ये दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इस मीठे तत्व को रक्त कोशिका के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है। कैरियर माने वाहक, जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है, तो घोड़ा कैरियर है, घुड़सवार अंदर जाने वाला व्यक्ति है। तो एक कैरियर होता है, उसी कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, वहां उत्पन्न होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है उसमें जो ऊर्जा तत्व है सबसे आसानी से घुलने वाला, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कहिए, इसको इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के दरवाजे पर लेके आता, ब्लड सेल के दरवाजे पर, और इंसुलिन दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका जो शुगर तत्व है वो इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया रक्त कोशिका में, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रक्त के अंदर कैरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी एनर्जी पहुंचाता रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या होता है, जिसको डायबिटीज है उसका जो इंसुलिन है वो अपने ऊपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है लेकिन घंटी नहीं बजाता, कॉल बेल नहीं बजाता, आता है फिर वापस चला जाता, आता है फिर वापस चला जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन के ऊपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहता है, रक्त में ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता रक्त कोशिकाओं में। तो आप जब भी रक्त का परीक्षण कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है कोशिकाओं में, और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शर्करा तत्व को अंदर लेके नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई। जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डायबिटीज ठीक होना आसान हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन बनना ही कम हो जाती है तो डायबिटीज का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंसुलिन आलसी हो गई है तो इस आलसी इंसुलिन को थोड़ा तेजस्वी बनाए, इसका आलस्य दूर हो जाए, इसके शरीर में जो स्लगिशनेस आई है ये खत्म हो जाए, ये उद्देश्य होता है औषधि का। और या इंसुलिन बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो इंसुलिन ज्यादा बने। इन दोनों ही स्थिति में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कब होती है, ये एक ही कारण से होती है।
जिसके शरीर में रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर की इंसुलिन आलसी हो गई है, काम नहीं कर रही है ठीक से, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करिए तो इंसुलिन काम करना शुरू करेगी। तो डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। ये बात सबसे आसान है समझना। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज को कोलेस्ट्रॉल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत की शुगर की। हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन कभी भी ना खाएं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डायबिटीज होती है, इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है, काम करने लायक नहीं होती। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैनक्रियाज खत्म हो जाए या काम बिल्कुल ना करे और इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं। अगर 1,00,000 मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही है। लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको तत्परता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा तेज बनाइए, एक्टिवेट कर दीजिए, और उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम कर दीजिए। तो डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस विषय पर कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता चला जाए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दुनिया में 2 ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस, वो चाहे कोंबड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से दिखता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है? वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल। जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करें, वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।